वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो क्लिप में हमने लेंस मेकर के सूत्र से संबंधित कुछ तथ्यों को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे एक लेंस की फोकल दूरी उसके वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है और कैसे एक लेंस को यदि किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकल दूरी में वृद्धि होती है, और साथ ही हमने देखा था कि कैसे किसी लेंस को उसके पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाता है तो उसकी प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात जो लेंस उत्तल लेंस होता है वो अवतल हो जाता है और जो अवतल लेंस होता है वो उत्तल हो जाता है। आज हम एक और तथ्य को देखेंगे कि जैसे एक लेंस को यदि दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो उसकी फोकल दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम लेंस मेकर के दो फार्मूले को लिखते हैं। एक फार्मूला तब जब लेंस के दोनों ओर कोई माध्यम हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं 1 by f = m2 by n1 - 1 1 by r1 - 1 by r2। ये तब होता है जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 होता है और उसके चारों ओर जो माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक n1 होता है। तो ऐसी स्थिति में यह फॉर्मूला होता है 1 by f = m2 upon n1 - 1 और 1 by r1 - 1 by r। दूसरा फॉर्मूला लेंस मेकर का होता है जब लेंस के चारों ओर निर्वात होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लिखते हैं 1 by f = n2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बटा 1 निर्वात का अपवर्तनांक, जैसा कि हम जानते हैं कि निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, -1 × 1 upon r1 - 1 upon r2। ये दो फॉर्मूले होते हैं। इसको हम n2 बटा 1 को केवल n2 लिख सकते हैं। यहां n2 क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो ऐसी स्थिति में यही फॉर्मूला बन के आता है 1 by f = n2 - 1 और n2 - 1 को हम n माइनस वन तब लिख देंगे जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n होगा। तो यही से होता है n2 - 1 × 1 upon r1 - 1 upon r2। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जब लेंस के चारों ओर निर्वात हो तो ऐसी स्थिति में लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक को n जनरली कह दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला बन के आ जाता है 1 by f = n - 1 1 by r1 - 1 by r। तो मेन जो फॉर्मूला होता है वो जब लेंस के चारों ओर निर्वात होता है तो ये फॉर्मूला होता है, और जब लेंस के चारों ओर कोई माध्यम होता है तो ऐसी स्थिति में लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कुछ और होता है जिसको हम n2 लिख रहे हैं, उसके चारों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक कुछ और होता है जिसको हम n1 लिख रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है तब होता है जब लेंस के चारों ओर n1 अपवर्तनांक का माध्यम है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है, और ये फॉर्मूला तब होता है जब लेंस के चारों ओर निर्वात होता है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n होता है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम यहीं से देखेंगे कि यदि लेंस को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो उसकी फोकल दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लेंस को दो बराबर भागों में विभाजित करने का दो तरीका होता है। एक तो होता है कि ये हमारा उत्तल लेंस है, पूरा का पूरा लेंस है ये, इसको हम दो बराबर भागों में बांट दिए, यानी ऊर्ध्वाधर रूप से इसको काट करके अलग कर दिए। तो ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर एक भाग इधर चला गया और एक भाग ये हो गया। तो हम किसी एक भाग को ले रहे हैं और इसकी फोकल दूरी को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इसकी फोकल दूरी क्या हो जाएगी। मान लेते हैं इस पूरे लेंस की फोकल दूरी f क्या है, इस लेंस की फोकल दूरी क्या है f है, और इस लेंस की फोकल दूरी f डैश है। तो अब हम पहले f के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। यदि लेंस पूरा है तो 1 by f = ये फॉर्मूला लिखेंगे n माइनस वन
यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि लेंस के दोनों ओर निर्बाध है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे एन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। चूंकि ये द्वि उत्तल लेंस है और दोनों तारों की वक्रता त्रिज्या बराबर हम ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, वन बाई एफ इक्वल टू एन माइनस वन वन अपॉन आर माइनस ये पहले तार की वक्रता त्रिज्या प्लस में है तो वन बाई आर माइनस वन बाई माइनस आर, दोनों तलों की वक्रता त्रिज्या बराबर है इसलिए हम दोनों को आर आर लिखते रहे। तो ये पहला वाला आर जो होगा पहले तल की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी तो इसको प्लस आर लिखेंगे, दूसरे तल की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी तो इसको हम माइनस आर लिखेंगे। तो क्या हो जाता है वन बाई एफ इक्वल टू एन माइनस वन वन बाई आर और प्लस वन बाई आर, तो क्या हो जाता है टू अपान आर। तो क्या हो गया बन के आके यहां से कि वन बाई एफ इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू अपान आर, ये हमारा हो गया इस लेंस पूरे लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला वन बाई एफ इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू बाई आर। अब हम इसको इक्वेशन वन कर लेते हैं, अब हम इसको ऊर्ध्वाधर रूप से दो पार्ट में बांट देते हैं, एक पार्ट हम इसको लेते हैं। अब अगर हम एक पार्ट लेंगे तो इसके लिए यही लेंथ मेकर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पर क्या लिखेंगे कि वन बाई एफ डैश, क्योंकि इसका हम फोकस दूरी एफ डैश मान लिया है तो वन बाई एफ डैश इक्वल टू एन माइनस वन। और अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि इसी को पहला तल माने इसको दूसरा तल माने, यदि हम इस लेंस को उलट दें तो ये लेंस किस तरह का बन जाएगा, ये इस तरह का बन जाएगा। तो इसमें पहला तल ये हो गया और दूसरा तल ये हो गया, तो पहले तल को हम इस तरह से दिखाना चाहें तो ये पहले तल की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी इधर की तरफ होगी तो क्या लिखेंगे वन बाई आर माइनस, दूसरे तल के लिए ये दूसरा तल प्लेन है और आप पहले से जान चुके हैं कि जो तल प्लेन होता है समतल होता है उसकी वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है तो क्या हो जाएगा वन बाई इनफाइनाइट। अब यहां से क्या हो जाएगा वन बाई एफ डैश इक्वल टू एन माइनस वन और ये क्या हो गया वन बाई आर और ये वन बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहां पर इक्वेशन हम दो लिख लेते हैं, अब इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू करते हैं तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन अपॉन टू से, वन अपॉन टू से क्या बन के आ जाता है वन है वन बाई एफ और टू है वन बाई एफ डैश इक्वल टू वन बाई एफ का मान है एन माइनस वन इंटू टू बाई आर और वन बाई एफ डैश का मान है एन माइनस वन इंटू वन बाई आर। क्या हो जाता है सब कट जाएगा यहां से बचेगा क्या एफ डैश अपॉन एफ, एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू टू अपॉन वन, यहां से बन जाता है एफ डैश इक्वल टू टू इंटू एफ, यानी ये जो हमारा एफ डैश बना जो बात की फोकस दूरी है वो पहले की फोकस दूरी की दोगुनी हो गई। यानी निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि यदि किसी लेंस को ऊर्ध्वाधर रूप से दो बराबर भाग में बांट दिया जाए तो एक भाग की फोकस दूरी पूरे लेंथ की फोकस दूरी की क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी। तो निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे कि यदि क्या लिखेंगे कि यदि किसी लेंस को ऊर्ध्वाधर दो बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक आधे भाग की फोकस दूरी पूरे लेंस की दो गुनी हो जाएगी अर्थात अर्थात एफ डैश बराबर टू इंटू एफ, ये फॉर्मूला होगा। यहां एफ डैश क्या है आधे भाग की फोकस दूरी है और एफ क्या है पूरे लेंस की फोकस दूरी है।
ये हमारा एक निष्कर्ष निकल के आता है। दूसरा जो हमारा सवाल बनता है कि यदि लेंस को क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए, यानी ये हमारा पूरा लेंस है, इसको इस तरह से आधा आधा कर दिया गया, आधा नीचे भाग और आधा ऊपर भाग, तो आधे भाग में अगर बांट दिया जाए तो इस भाग को हम यहां लिख लें, तो यह क्या हो गया क्षैतिज रूप से, क्षैतिज रूप से कटा लेंस, क्षैतिज रूप से कटा लेंस। अब इस लेंस के लिए हम वही लेंस मेकर का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या 1/f पूरे लेंस के लिए क्या लगेंगे 1/f n माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन बाय आर, ये हो गया पूरे लेंस के लिए। थोड़ा आधे लेंस के लिए लगाते हैं, तो आधे लेंस के लिए अगर फोकस दूरी f डैश हो जाए तो क्या लिखेंगे 1/f' इक्वल टू n माइनस वन अपनी जगह। अब बताइएगा इस आधे लेंस के लिए पहला तल ये होगा और दूसरा तल ये होगा, तो क्या अगर इस पहले तल को पूरा किया जाए इस तरह से पूरा किया जाए तो, और इसको पूरा किया जाए इस तरह से, तो दोनों स्थितियों में जितनी वक्रता त्रिज्या इस पहले तल की है उतनी ही वक्रता त्रिज्या इस तल की है, जैसे यहां पर सेंटर बन जाए इस पूरे गोले का इस तरह से, तो ये क्या हो गया इतना त्रिज्या हो गया इस तल की, और ये पूरा गोला बन गया यहां पर सेंटर हो जाए तो इस तल की वक्रता त्रिज्या भी उतनी होगी। यानी यदि क्षैतिज रूप से इस लेंस को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो दोनों ही तल की वक्रता त्रिज्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितनी वक्रता त्रिज्या इसकी होगी उतनी ही वक्रता त्रिज्या इस पूरे तल की होगी। तो ऐसी स्थिति में न तो 1/r 1 की जगह कुछ परिवर्तन होगा, न तो 1/r 2 की जगह कुछ परिवर्तन होगा, यानी जो फार्मूला f' के लिए बन रहा है वही फार्मूला f के लिए बन रहा है, यानी ऐसी स्थिति में f' जो होगा वो f के बराबर होगा। यानी यदि किसी लेंस को क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही स्थिति में तल की वक्रता त्रिज्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में जितनी फोकस दूरी पूरे लेंस की होगी उतनी ही फोकस दूरी क्षैतिज रूप से कटे हुए लेंस की होगी। तो फिर एक निष्कर्ष निकल के आता है, पहला निष्कर्ष हुआ कि यदि लेंस को ऊर्ध्वाधर रूप से दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी दोगुनी हो जाती है। दूसरा निष्कर्ष निकल के आता है कि यदि लेंस को क्षैतिज दो बराबर भागों में बांटा जाए तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात होगी, जैसे अब ये आधा कटा हुआ लेंस और ये पूरा लेंस है, तो ऐसी स्थिति में यदि इसके सामने किसी वस्तु को हम रखते हैं तो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण यहां से भी जाएगी, यानी पूरे लेंस से होकर के जाएगी। लेकिन यदि इसके सामने अगर कोई वस्तु रखी जाए इस तरह से तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण केवल आधे लेंस से होकर जाएगी, यानी अगर पूरा लेंस है तो चलने वाली प्रकाश की मात्रा दो गुनी होगी अपेक्षाकृत आधे की। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे लेंस से बने हुए प्रतिबिंब की तीव्रता जो होगी वो दो गुनी होगी और इस आधे लेंस से बने हुए प्रतिबिंब की तीव्रता आधी हो जाएगी, यानी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा परंतु आधे लेंस से बने प्रतिबिंब की तीव्रता जिसको आप चमक कहते हैं कि तीव्रता आधी हो जाएगी, ये हमारे
हमारा निष्कर्ष निकल के आता है कि यदि किसी लेंस को ऊर्ध्वाधर रूप से दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो आधे लेंस की फोकस दूरी पूरे लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी हो जाएगी, और दूसरा यदि लेंस को क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में काट दिया जाता है तो उसके लेंस की फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आधे लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी तीव्रता भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो एक तो ये टॉपिक हमारा रहा। दूसरा टॉपिक हमारे पास है कि यदि किसी लेंस को निर्वात में रखा जा रहा है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, और किसी लेंस को किसी द्रव में डुबाया जा रहा है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, उसको हम देखते हैं कैसे वो फार्मूला बन के आता है। जैसे एक सवाल अक्सर करके आपसे पूछा जाता है कि एक लेंस की निर्वात में फोकस दूरी इतनी है, तो यदि उसे जल में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इस तरह का सवाल बन के आता है। तो एक छोटा सा फार्मूला उसका हम डिराइव करेंगे, उसी फार्मूले से लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला उस जल में अथवा द्रव में डुबोने पर निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारा लेंस मेकर का फार्मूला जो होता है वो होता है 1/F = (m₂/n₁-1)(r₁-1)R। अब यदि लेंस का पदार्थ कांच हो, यदि लेंस का पदार्थ कांच हो तो एन टू को हम लिख सकते हैं एनजी, ठीक, और यदि लेंस निर्वात में हो, तो फोकस दूरी एफ हो, तो 1/F = इस स्थिति में क्या होगा, एन टू की जगह हम लिखेंगे निर्वात के लिए हो तो n₁=1 हो जाएगा, निर्वात के लिए n₁ होगा 1, तो 1/F = एन टू की जगह लिख देंगे एन जी बटा n₁ की जगह लिखेंगे 1-1 × 1/R₁-1/R₂, ये हो गया। और इसको हम हल करें तो क्या हो जाता है, 1/F = एन जी माइनस वन और 1/R₁-1/R₂। ये हमारा फॉर्मूला बन क्या आता है जब लेंस कहाँ है, निर्वात में, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। और यदि इसी लेंस को हम जल में ले जाएं और जल का अपवर्तनांक एन डब्ल्यू हो तो क्या हो गया कि यदि लेंस को जल में अपवर्तनांक लिख देते हैं, अपवर्तनांक एन डब्ल्यू में ले जाए तो मान लिया फोकस दूरी एफ डैश हो जाता है, तो अब लेंस को हम कहां ले गए, जल में ले गए, तो लेंस के चारों ओर जल हो गया और जल का अपवर्तनांक क्या है, एन डब्ल्यू है, यानी लेंस के चारों ओर का माध्यम बदल गया। जहां पहली स्थिति में लेंस के चारों ओर निर्वात था वहां पर n₁=1 लिख दिए थे, अब लेंस के चारों ओर क्या हो गया, जल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में n₁ की जगह क्या लिख देंगे, एन डब्ल्यू लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा हमारा, 1/F₁ जल में लेंस की फोकस दूरी को हम F' मान लिए = 1/F₁= एनजी, एन टू की जगह एनजी अपॉन एन डब्ल्यू, चारों तरफ जल है और जिसका अपवर्तनांक एन डब्ल्यू है, तो एन जी अपॉन एन डब्ल्यू माइनस वन कर लिया और 1/R₁-1/R₂, ये इक्वेशन हम 2 कर लेते हैं। अब इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करते हैं, बाई इक्वेशन 1 अपॉन
इक्वेशन टू से क्या बन गया आएगा हमारे पास, वन बाई एफ अपॉन वन बाई एफ डैश इक्वल टू एन जी माइनस वन वन बार आर वन माइनस वन अपॉन आर टू अपॉन एन जी बटा एन डब्ल्यू माइनस वन एन जी बटा एन डब्ल्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब ये पूरा कैंसिल हो गया और यहां से क्या बचा, एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू एन जी माइनस वन अपॉन एन जी अपॉन एन डब्ल्यू माइनस वन, ये बन गया। और यहां से क्या हमारा बन क्या आएगा, एफ डैश इक्वल टू एन जी माइनस वन अपॉन एन जी अपॉन एन डब्ल्यू माइनस वन इंटू एफ। ये हमारा एक बढ़िया सा फॉर्मूला बन के आता है जिसके सहयोग से हम क्या करते हैं कि किसी भी लेंस का फोकस दूरी द्रव में निकाल सकते हैं। किसी और द्रव में डुबाया जाता है तो किसी और द्रव में अगर डुबाया जाएगा तो यहां पर एन डब्ल्यू की जगह उस द्रव का अपवर्तनांक हम लेकर के इस फॉर्मूले को बदल सकते हैं या फॉर्मूले को बना सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी लेंस को यदि किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस फोकस दूरी एफ डैश के लिए ये फॉर्मूला हम लिख करके अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि कैसे किसी द्रव में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है। तो अब यहां पर जैसे कभी कभी ये होता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक एन जी क्या है, क्योंकि लेंस कांच का बना हुआ तो एन जी क्या है, कांच का अपवर्तनांक है, एन डब्ल्यू क्या है, जल का अपवर्तनांक है। तो ये एन जी एन डब्ल्यू एक तरह से निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। कभी कभी आपके सवाल में दे देता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक एन जी फिर एन डब्ल्यू। तो वायु के सापेक्ष अगर सवाल में दिया है तो इस फॉर्मूले में एन जी एन डब्ल्यू हो जाता है, और केवल निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है तो एन जी एन जी और एन डब्ल्यू हो जाता है। तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल अगर वायु के सापेक्ष दिया है तो ए सफिक्स के रूप में लगा देते हैं। ये हमारा एक तरह से टॉपिक होता है किसी लेंस को किसी द्रव में डुबोने से उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक सवाल हम लिखते हैं यहां से कि एक लेंस की फोकस दूरी निर्वात में 15 सेंटीमीटर है, एक लेंस की फोकस दूरी निर्वात में 15 सेंटीमीटर है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। क्या लिखे, सवाल है कि एक लेंस की फोकस दूरी निर्वात में 15 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को 4/3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, क्या हो? तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ डैश इक्वल टू एन जी माइनस वन अपॉन एन जी बटा एन, अगर वाटर होता तो एन डब्ल्यू लिखते हैं और कोई लिक्विड है तो हम एन एल लिखते रहे। लिक्विड के लिए एन एल माइनस वन इंटू एफ। अब क्या फॉर्मूला बन के आता है, एफ डैश इक्वल टू एन जी का मान 1.5 है, क्या लिखेंगे 1.5 माइनस वन अपान एन जी 1.5 अपान 4 अपान 3।
थ्री माइनस वन इंटू एफ, और ये बन के क्या आता है हमारे पास, यहां से एफ डैश इक्वल टू 1.5 × 3/4 माइनस वन इंटू एफ, क्या बन के आता है एफ डैश इक्वल टू 1.5 × 4 माइनस वन इंटू एफ। अब क्या बन के आता है यहां से एफ डैश इक्वल टू 1.5 × 4 और गुणे क्या हो जाता है, ये चार ऊपर चला जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा एफ। क्या हो गया यहां से, ये 2/5 × f, f का मान कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15 × 30/5, ये हो गया हमारा आंसर 60 सेंटीमीटर, ये आंसर बन गया। तो इस तरह से आप जो भी सवाल होंगे उसको आप करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही, एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।